बहुत गर्म हो गया गाड़ी। घुस 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 मुंह खुली घुस क्या पिछली जाना वे ओके पाल गया। स्टीप ग्रेडियंट है गाड़ी जो है इसलिए उल्टा कर रहा है। कूलन तो सब बाहर निकल गया पानी को नहीं। फिर से एक लैंडस्लाइड इस वजह से गाड़ी अभी हमारी रुक गई। मचुगा वैली का पहाड़ी है हम लोग जाएंगे मचुगा वैली में। उससे पहले हम लोग मैगी ले रहे हैं बीच में। हाँ बताए जो साय है यहाँ का बहुत खास है जिसमें दालचीनी दिया जाता है। अच्छा दालचीनी देने से इसका फ्लेवर बहुत ही आ जाता है। बीच में एक झरने में मैंने नहा लिया। इनकम्पेरेबल ब्यूटी आइए बताइए दीपंकर जी कैसा लग रहा है। जिंदगी में पहली बार देखने को मिल रहा है। वाटरफॉल तो बड़े बड़े देखे थे लेकिन हम लोग दूर से देखते हैं लेकिन ये वाला वाटरफॉल काफ़ी पर्टिकुलर है क्योंकि हम लोग को नीचे जाकर नहाने का मौका मिला। हाँ और बाकी जिसमें हम लोग पहले नहाते थे वो बिल्कुल छोटा छोटा था लेकिन दूर से देखने वाला हम लोग आस पास आके देख रहे हैं। और हम लोग वापस जाने वाले थे रास्ता थोड़ा खराब था लेकिन जिंदगी एक एक तजुर्बा है एक उपलब्धि है। हाँ नीतीश बताइए कैसा लग रहा है वाटरफॉल खास करके। ये मैजिकल वाटरफॉल मैंने पहली बार देखा है। मैंने मतलब बस वीडियो और मूवी में देखा था और कहीं नहीं। और इतना हाई है इतना हाई ऑल्टीट्यूड से इस स्पीड से ये फॉल कर रहा है उसके बाद इसकी जो बबल्स निकल रही है वो उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल अमेजिंग था। ऐसा कभी नहीं मिला। तो अभी हम लोग माचुका में जाएंगे आगे बढ़ेंगे। हम लोग वापस जाने वाले थे। हाँ हम लोग आधी रास्ते से वापस जाने वाले थे पर लगा कि अगर इतनी दूर आ गए हैं तो फिर आगे चलना ही चाहिए और एक के बाद एक हमें सरप्राइज मिलता जाता है। और ये ग्रासलैंड भी देख सकते हैं। हाँ ब्यूटीफुल ग्रासलैंड है। नहीं तो हो सकता है कि आज हम लोग माचुका में रुके जाए मे बी अगर अच्छा लग गया तो रुक जाएंगे। इतना हेक्टिक शेड्यूल ना करके हम रुक के कल अर्ली मॉर्निंग निकल पड़ेंगे वहाँ से। आपका जो कलर ऑफ द शर्ट और वाटरफॉल का कलर सब मैच हो गया और साथ में आपका स्काई का कलर भी मैच हो गया जच रहे हो बहुत बढ़िया। तो चले आगे बढ़े। फाइनली आफ्टर ए वेरी पेरिलस जर्नी हम लोग माचुका वैली पहुंच गए। यहाँ हम लोग देख सकते हैं ग्रीन वैली है चारों तरफ पाइन फॉरेस्ट है ग्रासलैंड जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं वहाँ पे पहलगांव में श्रीनगर में ये वही ब्यूटी है। ये थोड़ा वर्जिन फॉरेस्ट है। वर्जिन फॉरेस्ट बहुत दूर होने के कारण टूरिस्ट भी बहुत कम है। रास्ता बहुत अच्छा हो जाएगा इजी हो जाएगा आना यहाँ पे।
फॉरेस्ट दिख रहा है क्या कुछ? गलत रास्ते पे चले गए थे, हमें टिबेटियन गुम्फा देखना है, फिर हम नदी में आएंगे। तासी डेलेक मोनेस्ट्री, कई बार घूमने के बाद, कई बार देखने के बाद फाइनली हम लोग मोनेस्ट्री पहुंच गए। नीतीश बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं था, कितना ऊपर आने के बाद भी कोई चीज़ ऐसी बनी है। हाँ। और रोड भी बहुत अच्छी लगी, तो लेट्स सी आगे कैसा है। The view of Machuca Valley from the monastery, लाजवाब। रिवर मेंडर करती हुई जा रही है, ब्यूटिफुल प्लेस, अमेजिंग अमेजिंग शब्द भी कम पड़ जाएगा। और बताइए कैसा लग रहा है दीपंकर जी? यहाँ आने के बाद लगता है कि हम लोग पूरा मेसुका में है। हाँ। तो पूरा मेसुका का एकदम पूरा कंप्लीट व्यू है, कंप्लीट व्यू यहाँ से दिख रहा है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, छाव है वो मेसुका के, जगह जगह पर पहाड़ पे ऐसे लगा हुआ है, धूप और छाव के खेल बना के रखा है। और क्यों तेल डाल रहे हो, जरूरत नहीं पड़ता है, ना ना आप मत करो, तेल मत डालो, वो सफिशियंट है, वो गोल्डन फ्राई हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। ये पहले मिर्च डालो ना, लहसुन छोड़े हो कि नहीं गोटा? लहसुन है डाल देना, गोटा वाला लहसुन आप लोग खाता है? यहाँ पे बहुत सारे आदमी है जो गोटा वाला लहसुन खाता है। प्याज पहले, प्याज पहले, प्याज दीजिए, गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, रखेंगे हम, अच्छा अलग रखेंगे। कौशली दीपंकर जी, नागालैंड में क्या क्या खाए ये तो बताओ। नागालैंड में तो ये नागालैंड का आदमी है, कोई सर हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस कोई नहीं है। क्या क्या खाए हो, क्या क्या बोलते हो ना सर, जितना खाए हो ना, यहाँ का कोई आदमी उतना नहीं खा सकता है। क्या क्या खाए हो?
का कुत्ता आपका बीप आपका पॉर्क और ये सिकेन कुत्ता उत्ता खा लिया अरे जंगली जंगली सुअर सीआरईआर सब है हम पूरा पूरा खाया है मतलब इतना खाया है बस ठीक है ठीक है धुआं है हम लोग अभी बैंगन को भी थोड़ा सा हाँ हाँ भरता बहुत अच्छा वेरी गुड हम लोग दिया कहाँ जी जी ओहो वेरी गुड थैंक यू इसकी रिक्वायरमेंट है वी आर मूविंग आउट फ्रॉम माचुका आज इंडिपेंडेंस डे है ग्रेट डे